ऑफर किया है और जो पाकिस्तानी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और उनका मन सा इधर कश्मीर में आके इलेक्शन में डिस्टर्ब करना था। तो किस तरह आपने इलेक्शन की बात की है? तो इलेक्शन पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जे एन के पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के साथ पूरी तैयार है। हम लोग कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कल से कैंडिडेट लोग अपने फील्ड में जाके कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया, कोई डरने की बात नहीं है। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, टारगेट पुलिस और सीआरपी थी और जिसमें कि ग्रेनेड सिविलियन पर गिर गया जिसमें काकपोरा में, और जिसमें कि 12 लोग जख्मी हो गए। जल्दी से 4 आदमी को लोसिनगर लाए थे शिफ्ट किए और चारों का हालत बिल्कुल ठीक है। और मिलिटेंट का पता चल गया कि किसने थ्रो किया, उसके हम लोग पीछे पड़े, उसको जल्दी हम लोग पकड़ लेंगे। बिल्कुल देखिए, हर एक कैंडिडेट को हम लोग एक एक कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल है। कलेक्टिव सिक्योरिटी दे रहे हैं, हर एक को सिक्योर एरिया में रखा जा रहा है। जब कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो उनके साथ डबल स्कॉट हम लोग दे रहे हैं और उनको एरिया को सिक्योर करके कैंपेनिंग करवा रहे हैं। इस संबंध में और हर एक सीनियर ऑफिसर ने बता चुके आप लोगों को, बीएसएफ साइड से, आर्मी के साइड से, कि लगभग 200 से 250 मिलिटेंट तैयार आने के लिए। लेकिन इससे सिक्योरिटी फोर्स पूरे मुस्तैद है। अब देखें, उनके पिछले बार जब एलओसी पे फायरिंग हुई थी और प्रयास यही था पाकिस्तान का कि इंफिल्ट्रेट कराने के लिए, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्स आर्मी पूरी तैयार है उसको निट्रोज करने के लिए। हो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कोई वीआईपी विजिट हो, उस टाइम में अप्रिहेंशन रहता है, लेकिन इसके लिए हम लोग तैयार हैं।